संसद भवन का उद्घाटन पीएम के कराए जाने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। बता दें 28 मई को नव निर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे उद्घाटन का आग्रह किया था। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संसद भवन बनने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी के कोई अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखाई देते। नए संसद की लोकसभा में 828 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान के संसद भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव का निर्माण कर रहा है। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।